हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। प्रशासन के लाख कार्यवाही करने के बावजूद भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये है वाराणसी की आज 9 मार्च 2021 को एक ऐसी घटना घटी जो कि परिवार में कोहराम मच गया। हालांकि जब मैंने परिवार वालों से बात किया तो उनका कहना है, धनंजय नाम, उम्र जो है लगभग 32 साल है, वो शाम को घर से निकला था किसी पैसे को लेकर के, और एक राजिंदर नाम का उसी के साथ। जब हमसे बात हुआ तो उनका कहना है कि बात करने के बाद उन्होंने बात के तौर पे बताया कि मैं बर्थडे में जा रहा हूँ। आज बर्थडे में रात बीत गई, नहीं आया। आज सुबह प्रशासन द्वारा पता चला कि उनकी शव पुलिस चौकी के पास मिली है, लेकिन हम लोगों की आकांक्षा है कि वो हत्या का ही है। आपके पति धनंजय थे, आपसे बात हुई थी? हाँ, 7 बजे बात हुई थी। क्या बोला था उन्होंने? बोले कि बर्थडे में उनको 7-8 घंटा लगेगा, नहीं कुछ कुर्सी पर आ रहे हैं। और किसी के साथ थे? हाँ, एक पासी नाम का राजिंदर है, उन्हीं के साथ पासी में जाते हैं, उन्हीं के साथ गए थे। उन्हीं के बर्थडे है, उन्हीं के साथ आए हैं, लेकर आए हैं कुछ कुर्सी पर, हम आधे घंटे में आ रहे हैं। अब से आधी घंटा होती रहेगा, आए नहीं है। कौन मारा है मेरे पति को, मैं उनको निकालना चाहती हूँ। मैं इसी तरह नहीं जाने दूंगी। मेरा पति ऐसा नहीं था। मेरे पति के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है? किसी का हाथ है, किसी ने कुछ किया है, तभी मेरे पति कैसे हुआ है। नहीं नहीं, आपको क्या लगता है देख करके, मतलब कौन होगा ऐसे हत्या करने वाला? हा? कौन होगा उनके पीछे? क्या कहाँ पे गए थे? पैसा जमा आज को डेट था, आज दियो कले 12 बजे थी पैसा, तो वो पैसा बदल गई था। हाँ, जिंदर पास ही हुए भिजवा भर कर, वो कहे दियो ना, तो नहीं से कहना भैया पैसा दिया था, लाइन लगा था, लाइन लगाओ के भर टाटू में जाओ था, इन पैसा दिया था। 7-8 बजे फोन भर के कहाँ हुआ आवा था कहना कुछ कुछ लोग गायब कर दिए। बर्थडे में है ना, बर्थडे में है ही, कुछ खुशी है ही। तो भैया कितने भाई बहन थे? 4 भाई और 1 बहन। तो सबसे बड़े थे या कैसे थे? नहीं, वो भाई नहीं बड़े। धनंजय किस नंबर पे थे? हमारा पर था। अच्छा, तो घर से निकले थे तो कुछ बता कर गए थे किसी से? तो वो जिंदर कलम की अथवा जाए कि हम चला मार कर अथवा कोटा ना मशीन चालू होता, चला चालू करवा दा कलम ले दे चल ले। तो नहीं के संगे सुबेरा 8-9 बजे गलन, 9 बजे का गलन, तब फिर हमने फोन करल गल तो बोल के अला नहीं करे। तो कलन की 7 बजे जब रात के हमने फोन करे तो कलन की हम है ये दिन का बर्थडे है, नहीं मैं घर ले ला, तो हम आधा एक घंटा में आई ला। वह तब से फिर फोन लगाओ लगल तो स्विच अथवा मोबाइल उठा, मगर कोई बोला ना। कैसे सूचना मिला आप लोगों को? आज सुबह कितने कितने बजे? अरे 9 बजे 8 बजे क्या क्या कहा उन्होंने? जैसे कुछ बता देना, पंचनामा करके ले गेलन, पूरा घर का साइन करके ले गेलन, देखिए। अभी एक डेड बॉडी यहाँ पे मिली है सारनाथ थाना क्षेत्र में, पुराना पुल चौकी क्षेत्र में, यहाँ सड़क के किनारे, और उसको इंजरी अपर पार्ट में सिर्फ गले के आसपास थी। तो मैं चाहता हूँ आपको क्वांटम के लिए भेजा गया है, फिर हॉस्पिटल भेजा गया है। यहाँ पर मौके पे हमारी फील्ड टीम, बाकी स्क्वाड, सभी लोग मौजूद हैं, पूरी जाँच की जा रही है। इनकी शिनाख्त धनंजय नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है, जो कि खालिस्त क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके घर वालों से, बाकी सभी जितने संबंधित लोगों से सबसे हमारी बातचीत हो रही है। जो घटना के पीछे जो कारण है, बहुत जल्दी उसको जानकारी करके जो घटना को वर्कआउट कर लिया जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।